आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। खबर आ रही है जयपुर से। राजस्थान में अब अगले 6 महीने तक डॉक्टर, नर्स, एम्बुलेंस कर्मी सहित मेडिकल सेवाओं से जुड़े कोई भी कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकेंगे। मेडिकल सेवाओं में राजस्थान एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट की अवधि 6 महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले 14 मार्च तक रेशमा लगा हुआ था, अब इसे 14 सितंबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। गृह विभाग ने रेशमा अवधि बढ़ाने की अधिसूचना जारी कर दी है। चिकित्सा विभाग ने पिछले दिनों ये प्रस्ताव गृह विभाग को भेज दिया था। रेशमा लागू होने के बाद अब मेडिकल से जुड़ी सभी सेवाओं में हड़ताल या कार्य बहिष्कार गैर कानूनी हो गया है। हड़ताल करने वालों को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सरकार ने इससे पहले पिछले साल कोरोना को देखते हुए 14 मार्च 2020 को मेडिकल सेवाओं पर रेशमा लगाया था। रेशमा के दायरे में डॉक्टर, नर्स के साथ सभी पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी और अस्पतालों से जुड़ी सभी सहायक सेवाओं के कर्मचारी आएंगे। रेशमा लगाने के बाद कोई भी कर्मचारी कार्य बहिष्कार या पैन डाउन हड़ताल नहीं कर सकता। सरकार इससे पहले भी कई बार रेशमा लगाती रही है। खबर आ रही है अजमेर से। अजमेर जेल में बंद गैंगस्टर विक्रम गुर्जर उर्फ पपला गुर्जर से बुधवार शाम को उसके पिता मनोहर लाल और वकील मुलाकात करने आए थे। हालांकि जेल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए पिता की पपला से मुलाकात नहीं कराई, सिर्फ केस संबंधी बातचीत के लिए वकील गोविंद सिंह को पपला से मिलने दिया। मुलाकात के बाद जेल से बाहर आए वकील ने दावा किया कि पपला जेल में परेशान है, उसे दवा तक नहीं मिल रही है। वकील गोविंद सिंह ने जेल से बाहर आकर बताया कि पपला से मुलाकात हुई, वो काफी परेशानी में है, उसे दर्द है और डॉक्टरी परामर्श के अनुसार दवा नहीं दिलाई जा रही है, बाहर से दवा लाकर देने की अनुमति भी नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि ये बात सही है कि पपला अपराधी है, लेकिन उसके साथ सलूक सही नहीं हो रहा है। सुरक्षा कारणों का हवाला देकर माता पिता को मिलने से रोकना भी गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि पपला को अब तक जेल कैंटीन में उसका खाता भी नहीं खोला गया है। कैंटीन में खाते से मतलब है कि कैदी भुगतान करके अपनी पसंद की चीजें खा सकते हैं। कैंटीन खाता ना खुलने की वजह से पपला को वही खाना मिल पा रहा है जो सभी कैदियों को दिया जाता है। पपला के पिता मनोहर लाल ने बताया कि पपला से उनकी मुलाकात अलवर जेल में 4 साल पहले हुई थी, इसके बाद मुलाकात नहीं हुई। वे उससे मिलना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं कि पहले जो भूल हो गई दोबारा गलती मत करना, कोर्ट में भरोसा रखें और आराम से रहें, लेकिन मिलने की इजाजत नहीं मिल पाई। खबर आ रही है दौसा से। दौसा में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी से रिश्वत वसूली के मामले में सलाखों में बंद आरएएस पिंकी मीणा और आरएएस पुष्कर मित्तल के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बुधवार को एसीबी कोर्ट में चार्जशीट पेश की। मामले में एडीजी दिनेश एमन के सुपरविजन में डीएसपी सचिन शर्मा जांच कर रहे हैं, जिन्होंने आज लगभग 3000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट संख्या 1 में पेश की है। इसमें कंपनी के पदाधिकारियों की गवाही और एसीबी की गिरफ्त में आए दलालों से पूछताछ में सामने आए तथ्यों के आधार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। एसीबी जयपुर की टीम ने 13 जनवरी को दौसा एसडीएम रहते हुए पुष्कर मित्तल को 5 लाख रुपए लेते रंगे हाथ ट्रैप किया था। वहीं बांदीकुई एसडीएम के पद पर मौजूद पिंकी मीणा को 10 लाख रुपए की रिश्वत मांगने के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। तब से दोनों अफसर जेल की सलाखों के पीछे हैं। इनमें पुष्कर मित्तल की जमानत एसीबी कोर्ट ने खारिज कर दी थी। इसके बाद पुष्कर मित्तल ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी, जिसको वापस ले लिया था। वहीं आरएएस पिंकी मीणा की गत 16 फरवरी को शादी थी, ऐसे में हाईकोर्ट की जयपुर बेंच ने उसको 10 दिन की अंतरिम जमानत दी थी। शादी के बाद पिंकी ने 21 फरवरी को सरेंडर कर दिया था, तब से वो जयपुर की महिला जेल में बंद है। बता दें कि 22 फरवरी को पिंकी मीणा की जमानत पर हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन उन्होंने चार्जशीट दाखिल होने के इंतजार में अपनी याचिका वापस ले ली थी। खबर आ रही है जयपुर से। आरटीओ ऑफिस झालाना में बुधवार को संभागीय आयुक्त समित शर्मा की टीम ने छापा मारा। इस दौरान ना तो आरटीओ सीट पर मिले और ना ही कोई डीटीओ अपने सेक्शन को संभालता नजर आया। अचानक संभागीय आयुक्त की टीम के छापेमारी के दौरान एसीबी की कार्रवाई की अफवाह फैल गई। इसके चलते अधिकतर अफसर व कर्मचारी अपने सेक्शन को छोड़ भाग गए। कोई साइड की गैलरी से निकला तो कोई कमरे की खिड़की से कूदकर बाहर भागा। बाद में जब संभागीय आयुक्त के आने की जानकारी मिली तो 1 घंटा बाद लौटे। खास बात ये रही कि मार्च के महीने में राजस्व वसूली को लेकर आरटीओ में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। संभागीय आयुक्त की टीम ने हाजिरी रजिस्टर जब्त किए और जांच शुरू की तो पाया 54 कर्मचारी अनुपस्थित थे, जबकि करीब 14 कर्मचारी हस्ताक्षर करके सीट से गायब थे।
इस बारे में जयपुर के आरटीओ राकेश शर्मा का कहना है कि वो मार्च महीने में लगे राजस्व वसूली के कैंप का मौका मुआयना करने गए थे। 31 मार्च टैक्स में सरकार की ओर से छूट दिए जाने के चलते आरटीओ ऑफिस में जयसिंहपुरा और ट्रांसपोर्ट नगर में स्पेशल कैंप लगाए हुए हैं। अधिकतर स्टाफ उन्हीं में लगा हुआ है, जिसके चलते झालाना ऑफिस में कम ही स्टाफ था, इसलिए ऑफिस खाली खाली दिख रहा था। राजस्थान में 11-12 मार्च को मौसम फिर से बिगड़ सकता है। बादल बारिश की संभावना बन सकती है, क्योंकि राजस्थान के ऊपर से होकर पंजाब की ओर चक्रवात प्रभावी हो रहा है। अगर मजबूत बना तो ओले भी गिर सकते हैं। मौसम विशेषज्ञ आरके सिंह के अनुसार चक्रवात के कारण दक्षिण पश्चिमी हवा चल रही है, इस कारण दिन के तापमान में थोड़ा उठाव आया है। बुधवार को अधिकतम तापमान 34.5 डिग्री दर्ज किया गया, जो 0.5 अधिक है, लेकिन रात के तापमान में 0.3 डिग्री की कमी आई है। न्यूनतम तापमान 17.4 डिग्री दर्ज किया गया है, इसलिए किसानों को चाहिए कि वे खेतों में कटी फसल को तुरंत सुरक्षित स्थान पर पहुंचाएं, साथ ही हालात को देखकर ही मंडी में माल लेकर आए। उल्लेखनीय है कि 2 दिन पहले ही वैर भूसावर बयाना क्षेत्र में बारिश और ओले गिरे थे। मौसम में ये बदलाव राजस्थान के ऊपर 2 दिन से बने पश्चिमी चक्रवात के असर से हुआ है। इस कारण बुधवार को आर्द्रता 11% घटकर 52% पर पहुंच गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।